मेरे पास 2 दिन से ऐसे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जिसमें यूट्यूब नहीं चल रहा है। आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग या फिर मोबाइल का शॉप चलाते हैं तो आपके पास भी कोई ना कोई कस्टमर जरूर आया होगा यही सेम प्रॉब्लम को लेकर। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम यूट्यूब की तरफ से है। जो लोएस्ट एंड्रॉयड वर्सन की फ़ोन है उसका यूट्यूब ऐप को बंद कर दिया गया है। बाकी इसका एक्सेस बाद में यूट्यूब दे भी सकता है। फिलहाल के लिए इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। तो चलिए अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसके बाद एप्लीकेशन मैनेजर को ओपन करके यहाँ से यूट्यूब ऐप के डाटा को क्लियर करेंगे। YouTube ऐप का डाटा हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अभी हम YouTube ऐप को ओपन करेंगे, अभी देखेंगे हमारा YouTube ऐप ओपन हो रहा है या नहीं। YouTube ऐप के डाटा को क्लियर करने के बाद अभी हमारा YouTube ओपन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। YouTube ऐप को क्लोज करने के बाद वही प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा इसका परमानेंट सोल्यूशन। इस तरह जितने भी सारे ओल्ड लोएस्ट वर्सन की एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आप किस तरह परमानेंट यूट्यूब ऐप को चला पाएंगे उसका परमानेंट सोल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे तो यूट्यूब को चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप है जिसके ज़रिए आप लोग यूट्यूब को चला पाएंगे, तो वो थर्ड पार्टी ऐप मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने का सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर में से गूगल क्रोम हो या फिर मोज़िला फायरफॉक्स हो, इनमें से कोई भी एक ऐप को इंस्टॉल करना है या फिर अपडेट कर लेना है अगर ऑलरेडी इंस्टॉलेड है। तो इस फ़ोन में पहले से ही गूगल क्रोम इंस्टॉलेड है, मैं सिंपली से इसको अपडेट कर लूँगा। गूगल क्रोम हमारे यहाँ पे अपडेट हो चुका है, अभी हम इसको सिंपली से ओपन करेंगे और इसके बाद अभी हम यहाँ पे यूट्यूब की वेबसाइट को ओपन करेंगे। टाइप करेंगे youtube.com, स्क्रीन में दिए गए कोई भी एक URL को आप टाइप कर सकते हो। YouTube की वेबसाइट को ओपन करने के बाद अभी हम 3 डॉट में टाइप करेंगे और यहां से ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे और इसके बाद यहां पे हम सिर्फ YouTube टाइप कर देंगे, YouTube टाइप करके ऐड कर देंगे। बस हमारा काम हो चुका है, अभी हम सब कुछ क्लोज कर देंगे। अभी आप यहाँ पे होम स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, YouTube का एक आइकन बन के चला आया है। अभी हमारा YouTube यहीं से एक टैप में चलेगा। दोस्तों, मैंने इसको इस तरह इसलिए सिंपल किया है क्योंकि इस तरह के जो फ़ोन है ये वही लोग चलाते हैं जो फ़ोन के बारे में उतना समझते नहीं है और जो ओल्ड है वही लोग इस तरह की फ़ोन चलाते हैं। दोस्तों, कुछ फ़ोनों में गूगल क्रोम से ये काम नहीं हो रहा है तो उस फ़ोन में आप मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल करके सेम प्रोसेस करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।